हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक स्पेशल लंच मेन्यू तैयार कर रही हूँ। इसमें मैं बना रही हूँ शाही पनीर, जीरा राइस, दाल और सूजी के रसगुल्ले, तवा नान और खीरे का रायता। तो ये सब मैं बनाने जा रही हूँ आज। तो इन चीज़ों की हम प्रिपरेशन देख लेते हैं एक बार, और कुछ चीज़ें मैंने पहले से बना रखी हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी जीरा राइस। तो जीरा राइस बनाने के लिए मैंने ये राइस को वॉश कर लिया है पहले और भिगो के रखा है 20 मिनट तक। ये मैंने कुकर में तेल ले लिया है, मैं एक कुकर में बनाने जा रही हूँ। चार लौंग मैं डाल देती हूँ इसमें, और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें जीरा। जीरा ना तो ज़्यादा कम डालना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालना चाहिए। इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। जीरे को हमें गोल्डन ब्राउन करना है, तो जीरा काफ़ी ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं राइस डाल देती हूँ और राइस को एक बार चला लेते हैं। इस तरह से हम इसको हिलाएंगे। बचा हुआ चावल भी मैं डाल देती हूँ इसमें। ये मैंने एक गिलास चावल लिए हैं, तो मैं इसमें लगभग 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको भिगो के रखा है। अगर मैं इसको भिगो के नहीं रखती तो मैं इसमें लगभग 2 गिलास पानी डालती। अब हम इसको कुकर का ढक्कन बंद करके और पकने के लिए रख देते हैं। लगभग 2 सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे। कुकर मैंने दूसरे स्टोव पे शिफ्ट कर दिया है। अब मैं इसमें कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। इसमें मैं बनाने जा रही हूँ शाही पनीर। तो शाही पनीर बनाने के लिए मैंने ये कढ़ाई में तेल डाल दिया है। इसको गर्म कर लेते हैं। ये मैंने इसमें तेज पत्ता डाल दिया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 दालचीनी की स्टिक और 5-6 लौंग डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। तेल गर्म है तो ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा पकने में, और 2 चम्मच मैं इसमें डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको भी ब्राउन कर लेते हैं। ये भी ब्राउन हो गया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ मैंने 2 अनियन और 6-7 काजू, और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च, 6-7 काली मिर्च का एक पेस्ट बना रखा है, और मैं इसको ऐड कर दूँगी, और इसको भी मैं गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लूँगी। मैंने इसमें मसाला भी ऐड कर दिया है, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, और मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाला है। इसके बाद मैं इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बनाई हुई है। इसमें जो टमाटर थोड़ा पिसा नहीं है मैं उसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि ग्रेवी हमें स्मूथ बनानी है इसकी। अब हम पनीर को वॉश कर लेंगे। पनीर को वॉश कर लिया है, अब मैं इसको क्यूब्स में कट कर लेती हूँ। ये बड़े जो पीसेस हैं इसमें से मैं काट लेती हूँ, बीच में से 2 कर देती हूँ उसको। इस तरह से हम क्यूब्स में कट कर लेंगे, और मसाला हमारा बन चुका है। ग्रेवी में जो है मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, अब मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें 2 चम्मच फ्रेश क्रीम डालूंगी, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। ये देखिए इसका कलर एकदम चेंज हो गया है। इसमें मैंने लगभग 1/2 कप पानी ऐड कर लिया है। इस तरह से हमारी ये ग्रेवी रेडी हो गई है, और इसमें मैं पनीर ऐड कर देती हूँ, और लगभग 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे इसको हम। ये देखिए हमारा पनीर इधर कुक हो रहा है, इधर हमने राइस को रखा हुआ है। राइस हमारे बन चुके हैं, इसमें 2 सीटी लग चुकी हैं और फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। अब इसमें मैं हरा धनिया ऐड कर दूंगी। आप इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी। और ये हमारा शाही पनीर बनकर रेडी हो गया है। फ्लेम ऑफ कर दूंगी मैं, और अब मैं बनाने वाली हूँ
दाल तड़का, दाल तड़का बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है। मैं इसमें तड़का तैयार करूंगी और दाल को मैंने पहले से ऑलरेडी प्रेशर कुक करके रखा हुआ है। ये मैंने मिक्स दाल ली है यहाँ पर। पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल ले लेती हूँ, इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं और इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा जीरा। जीरे को हमें ब्राउन करना है। जीरा ब्राउन हो गया है, मैं इसमें थोड़ी सी हींग डाल देती हूँ। जीरा ब्राउन हो चुका है, अब इसमें मैंने कटा हुआ अदरक डाल दिया है थोड़ा सा। अदरक के बाद मैं इसमें कटा हुआ गार्लिक डाल रही हूँ। अब इन दोनों चीजों को ब्राउन करना है मुझे। जिंजर गार्लिक ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देती हूँ। प्याज को भी मुझे ब्राउन करना है। आप देख सकते हैं प्याज भी हल्की हल्की ब्राउन होना शुरू हो गई है। ये देखिए प्याज कम्प्लीटली ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़े कटे हुए टमाटर ऐड कर देती हूँ। ये मैंने एक टमाटर लिया है मीडियम साइज का और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा ड्राई स्पाइसेस ऐड करूंगी, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। दाल को जो बॉईल किया है मैंने वही पानी मैंने रखा हुआ है, तो मैं इसमें से डाल देती हूँ 2 बड़े चम्मच पानी डालकर इसको कुक कर लेंगे। ये देखिए मसाले भी अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूंगी। मैंने बॉईल करी हुई दाल रखी हुई है और ये मिक्स दाल मैं यूज कर रही हूँ। तो इस तरह से हमने ये दाल का तड़का तैयार किया था और हमारी ये दाल तड़का बन रही है। और इसमें जो पानी है दाल का बचा हुआ वो मैं ऐड कर देती हूँ और इसको लगभग 2 मिनट के लिए और कुक कर लेते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने सूजी के रसगुल्ले बनाकर रखे हैं जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये दाल है और ये मैंने शाही पनीर बना के रखा हुआ है। ये मैंने आपको दिखाने की वजह से ढका नहीं है, ये देखिए। और ये दाल में बॉईल आ चुका है, ये देखिए दाल भी हमारी बनकर तैयार हो गई है, अच्छी तरह से इसमें बॉईल आ गया है। दाल में भी थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देते हैं और मिक्स कर देते हैं और ये हमारी दाल भी रेडी हो गई है और फ्लेम ऑफ करके रख देते हैं। राइस का कुकर हम खोल कर देखते हैं। ये देखिए हमारे राइस एकदम खिले खिले बने हैं, जीरा राइस हमारे तैयार हो चुके हैं। बंद करके रख देते हैं। ये मैंने तवा नान बनाए हैं, इसकी रेसिपी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। और सूजी के रसगुल्ले की रेसिपी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ। और इसके अलावा मैंने शाही पनीर, दाल और जीरा राइस बनाए हैं और मैंने थोड़ा सा सैलेड बनाया है। और मैंने बनाया है कुकुम्बर का रायता, खीरे का रायता। तो इस तरह से आप एक स्पेशल लंच मेनू तैयार कर सकते हैं। अगर कोई आपके घर पर गेस्ट आ रहा है तो आप उसको इस तरह से लंच बना सकते हैं उसके लिए।
तो गाइज इस तरह से आप एक स्पेशल लंच मेन्यू तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक फॉर वॉचिंग।